खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां पर सुअर पशुपालकों को मृत सुअरों का मुआवजा दिलाए जाने के साथ साथ पशु चिकित्सा विभाग के प्रमुखों के खिलाफ कार्यवाही करे जाने को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई पर बसौर समाज के कलेक्ट्रेट रीवा के समक्ष महापड़ाव 196 दिन भी जारी रहा। मोर्चा के संयोजक शिव सिंह ने बताया कि अपर कलेक्ट्रेट नीलमणि अग्निहोत्री और संयुक्त संचालक पशुपालन राजेश मिश्रा के बुलावे पर संयुक्त किसान मोर्चा और बंसल समाज के आंदोलनकारियों की साझा मीटिंग कलेक्ट्रेट में आयोजित हुई। मीटिंग के दौरान अपर कलेक्टर ने कहा कि भारतीय संविधान में बंसल समाज के पशुधन नुकसानी के मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं है, अगर होता तो अभी तक वितरित भी कर दिया गया होता। वहीं बैठक में प्रमुख रूप से मोर्चे के नेता रामजीत सिंह, जिला पंचायत सदस्य लालमणि त्रिपाठी समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। प्रशासन के बुलाने पर संयुक्त किसान मोर्चा एवं बंसल समाज के आंदोलनकारियों की साझा मीटिंग हुई, बात बेनतीजा निकली और जिस तरह से उधर से बातें आई हैं, ऐसा लगता है कि आंदोलन को तोड़ने की साजिश है। अब संयुक्त किसान मोर्चा इसकी कड़ी निंदा करता है और पूरे जिले में ये आंदोलन और तेज किया जाएगा। बंसल समाज के सारे आंदोलनकारियों ने ये निर्णय ले लिया है, अब आंदोलन की रूपरेखा जो है बढ़ने से अधिक स्वर के मुआवजे के संबंध में हम लोग धरना कलेक्ट्रेट के सामने में बैठे हुए हैं। आज माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा हम लोगों को बुलाया गया और हम लोग वहाँ गए। इस संबंध में उनके द्वारा ये कहा गया कि RBC की नियमावली में सुअर के मुआवजे के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है, अतः ये कानूनी तौर पर इसका कंपनसेशन राशि नहीं दी जा सकती। इस बात से हम लोगों को बहुत दुख हुआ, क्योंकि हमारा ये मुख्य धंधा था, हमारी रोटी रोटी मारी गई है। अतः उनके द्वारा जो संविधान में ये नियम नहीं बताया गया, मुझे इस बात का गहरा दुख हुआ है। इस बात से उनसे मैं हम सहमत नहीं हैं और ये आंदोलन को हम लोग गति देंगे और भारतीय जनता पार्टी सरकार का विरोध करेंगे और जगह जगह इसका विरोध किया जाएगा। के लोग आज अपर कलेक्टर महोदय जी की मीटिंग में बैठ के बातें हुई और उसमें अपर कलेक्टर महोदय जी ने बताएं कि आपके इस पशुधन के मुआवजे में ये प्रशासन के गाइडलाइन में कोई भी बात नहीं है, लेकिन आज हम लोग अपर कलेक्टर महोदय जी की बातें सुन के हम विरोध करते हैं हम लोग, और ये आंदोलन और बड़ी लड़ाई में लड़ा जाएगा, क्योंकि इस बंसल समाज के जो पशुधन का मुआवजे के लिए कोई शासन और संविधान में कोई मुआवजे की प्रावधान नहीं है, संयुक्त कलेक्टर महोदय जी के बातों से हम लोग आज अवगत हुए। बंसल आज बसौर समाज 6 महीने से ऊपर हो गया धरना आंदोलन में बैठे हुए, लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से कोई पहल नहीं की जा रही है। आज महोदय अपर कलेक्टर महोदय जी ने बुलाया मीटिंग के लिए और उन्होंने ऐसी बात बोली कि बंसल समाज के पशुधन के लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए मैं न प्रावधान के कोई भी आप लोगों की मुआवजा देने का काम नहीं कर सकता हूं। ये हम लोगों की एक बहुत बड़ी विडम्बना है कि हम लोग हिंदुस्तान के और यहाँ हिंदुस्तान के नागरिक होते हुए भी हमारा संविधान में अधिकार नहीं है, हमारी पशु मर जाएं, हमें कोई मुआवजा का प्रावधान नहीं है। ये बहुत बड़ी दुख की बात है और मैं भारतीय जनता पार्टी का और यह प्रशासन का बहुत विरोध करूंगा और यह लड़ाई निरंतर जारी रखूंगा। आज अपर कलेक्टर नीलमणि अग्निहोत्री और संयुक्त संचालक पशुपालन विभाग के साथ सुअर पालक किसानों की मीटिंग आयोजित की गई पशुपालन मुआवजे के संबंध में, लेकिन मीटिंग में जो जानकारी उभर के आई, माननीय नीलमणि अग्निहोत्री जी ने बताया कि भारतीय संविधान में बंसल समाज को किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति मिलने का उचित नहीं है, इसलिए किसी भी प्रकार से हम बंसल समाज को संविधान के दायरे में क्षतिपूर्ति नहीं दे सकते, लेकिन यदि क्षेत्रीय विधायक से निवेदन किया जाए तो अपने निजी खाते से कुछ राशि दे सकते हैं। इसलिए बंसल समाज और संयुक्त किसान मोर्चा इस कृत्य की घोर निंदा करता है और हम बंसल समाज को संविधान के दायरे में लाने एवं इनको अधिकार दिलाने के लिए पूरे जिला स्तर पर। रीवा से सीनियर संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट।